नमस्कार दोस्तों, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इसराइली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड सायरन्स बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इसराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। इसराइली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती हैं 2,200 रॉकेट्स फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5,000 रॉकेट्स फायर किए गए। अब आमतौर पर इसराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है, ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है। जब भी रॉकेट्स की इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है इसराइल देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहां पर 5,000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इसराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए इन अटैक्स के चलते। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है, और ये याद दिलाता है योम किपुर वॉर की। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था इसराइल के ऊपर। उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे योम किपुर वॉर बुलाया जाता है, और अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टीप्रॉन्ग्ड अटैक किया है, जमीन से, समुद्र से और हवा से। इसराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ गिरा दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे, कई मोटरसाइकिल्स पर, कुछ मोटर पावर्ड हैंग ग्लाइडर्स के जरिए हवा के थ्रू इसराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोट्स के जरिए भी हमास के लोगों ने इसराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इसराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया, एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया, कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर कर उन्हें बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। और बॉर्डर पर मौजूद जो इसराइल के गांव और शहर थे वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए हैं। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस यहां पर मारे जा चुके हैं, कईयों को हॉस्टेज बनाया गया है, और इसराइल ने रिस्पांस में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक्स करी, जिसके चलते पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। एक बार इस पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए नक्शे पर नजर डालते हैं। इसराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिनके नॉर्थ में है लेबनान का देश, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों देशों पर जूम इन करो तो ये बीच का एरिया इसराइल का देश है, और पैलेस्टीन की जो टेरिटरीज है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है, और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो इसराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट्स हैं जहां इसराइल का कंट्रोल है। इसे इल्लीगल कंसिडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन और कई और देशों के द्वारा। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं उन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा, जो फतेह के कंट्रोल में है, एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। फतेह और हमास के बीच में अपना एक अलग कॉन्फ्लिक्ट रहा है हिस्टोरिकली, और हमास की बात करी जाए तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे ज्यादातर देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कंसिडर किया जाता ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतार, रशिया, सीरिया और टर्की के द्वारा। फिर कुछ देश ऐसे हैं जो हमास के सिर्फ मिलिट्री विंग को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे। ये चीज जियोपॉलिटिकली काफी रेलेवेंट है, क्योंकि आप आगे देखेंगे आज जो सिचुएशन हो रही है दुनिया के अलग अलग देश उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अभी के कॉन्फ्लिक्ट का जो नक्शा है वो देखा जाए तो आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप रेड कलर में है, और इसराइल की टेरिटरी के कितना अंदर घुस गए हैं पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ये आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दिफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है, और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसराइल ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार किया। स्पेसिफिकली ये रिस्पांस है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसका। अगर आप जानना चाहते हैं जेरूसलम में मौजूद इस अल अक्सा मस्जिद में क्या इशू उठा था तो उसकी बात मैंने 2 साल पुराने इस वीडियो में करी थी, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख सकते हैं। जितने भी इंडियन नेशनल्स इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं उन लोगों के लिए इस वक्त इसराइल की इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी दी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इमरजेंसी के सिचुएशन में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर एक ईमेल डाल सकते हैं दी गई ईमेल पर। इजराइल ने रिस्पांस में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जिन्हें IDF शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस सबको तैनात किया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च करी। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए। काफी हद तक ये बिजली इजराइल के थ्रू सप्लाई की जाती है गाजा में। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन एड्रेस में कहा, Citizens of Israel, we are at war. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. इन्होंने कहा कि दुश्मन को एक अनप्रेसिडेंटेड प्राइस पे करना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और इसराइल इस जंग को जीतेगा। एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट अभी के इस कॉन्फ्लिक्ट में ये रहा है कि कैसे मोसाद, दुनिया भर में फेमस इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, फेल रही इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से है। इनके इन्फॉर्मेंट्स पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप्स में घुसे हुए हैं, लेबनान में है, सीरिया में है, दुनिया के अलग अलग कोनों में है। पास्ट में ये अक्सर देखा गया है कि मोसाद के एजेंट्स ने बड़े प्रिसाइजली टाइम्ड असैसिनेशन किए हैं बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स के। कहीं पर गाड़ियों के ऊपर GPS ट्रैकर्स लगाकर, कहीं पर ड्रोन स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करके, या कहीं पर मोबाइल फोन्स के जरिए भी। मोसाद के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कुकू FM पर ये वाली ऑडियो बुक में सजेस्ट करूंगा, बड़े डिटेल में बढ़िया तरीके से समझाया है। कुकू FM को अगर आप नहीं जानते तो ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज्यादा इनके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं। 2023 में हर दिन 1.5 लाख घंटे का कंटेंट कुकू FM पर सुना गया। यहाँ आपको ऑडियो बुक्स मिलेंगी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट और टॉपिक पर। आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए ध्रुव50 और आपको कुकू FM के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ मिलेगा। 99 रुपीज की जगह सिर्फ 49 रुपीज कॉस्ट पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब मोसाद पर वापस आए तो सवाल ये कि इतनी ताकतवर एजेंसी होने के बावजूद भी इनको कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पर हजारों रॉकेट्स की स्टॉक पाइलिंग करी जा रही थी गाजा में। ग्राउंड पर मौजूद जो बॉर्डर की फेंसिंग लगी है गाजा इजराइल बॉर्डर पर, वहां पर कैमराज हैं, ग्राउंड मोशन सेंसर्स हैं, रेगुलर आर्मी के पेट्रोल्स होते हैं। इस तरीके के स्मार्ट बैरियर्स क्यों फेल हो गए? डोमेस्टिकली बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है इजराइल की सरकार को। फॉर्मर इजराइल के जो नेवी के हेड थे, उन्होंने इजरायली टीवी चैनल चैनल 12 को कहा कि ये सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। पूरा इजराइल पूछ रहा है कहाँ है IDF, कहाँ है पुलिस और कहाँ है सिक्योरिटी। उसने BBC को बताया कि एक मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। द टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी इस खबर को भी देखिए, जिसके अनुसार इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बार बार इजराइल को वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है और एलिजिटली उन वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इस अटैक को कंडेम किया और कहा कि वो रॉक सॉलिड और अनवेवरिंग सपोर्ट दिखाते हैं इजराइल के फेवर में। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ का भी यही कहना था कि वो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस अटैक को और कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इजराइल के पास खुद को डिफेंड करने का राइट है। इन्होंने कहा कि इजरायली हॉस्टेजेस को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ईरान का देश, जो कि वन ऑफ द मेन सपोर्टर्स रहा है हमास का, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि हमास के द्वारा किया गया हमला एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था पैलेस्टीनियंस की तरफ से। बगल के इजिप्ट की देश की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि वो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के साथ बातचीत कर रही है इजराइल पैलेस्टीनियन टेंशंस को डिफ्यूज करने की कोशिश में। पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, वो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी WAFA को कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस का सेटलर्स और विदेशी ट्रूप्स के टेरर के खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। जैसा कि मैंने बताया, ये फतेह पार्टी के हैं जो वेस्ट बैंक पर रूल कर रही है और हिस्टोरिकली फतेह और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रही थी। आज से 2 साल पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर, जिसपे बहुत लंबा इतिहास इनका समझाया था। इसमें मैंने बात करी थी कि कैसे ज्यूस को सदियों से प्रोसिक्यूट किया गया यूरोप में, वो अपनी जान बचाकर माइग्रेट किए पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियंस को अपने ही देश में अब रेफ्यूजीज बना दिया गया है। तो पैलेस्टीन की जो कॉज है वो ऑब्वियसली सपोर्ट डिजर्व करती है यहाँ पर, लेकिन आतंकवादियों को समर्थन देकर नहीं। हमारी इंडियन सरकार का भी स्टांस यही रहा है हिस्टोरिकली। इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया है अंडर वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में ये स्थिति साफ है
गैरबा की जिस जमीन पर इसराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। प्रधानमंत्री मोदी तो एक्चुअली में पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पैलेस्टीन को विजिट करने वाले। अब जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो शॉक एक्सप्रेस करते हुए आई है आतंकवादी हमलों को लेकर, और वो सॉलिडैरिटी एक्सप्रेस करते हैं इसराइल के साथ और इसराइल के इनोसेंट विक्टिम्स और उनके परिवारों के साथ। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमास जो यहाँ कर रहा है आज वो सिर्फ और सिर्फ आतंक है। बहुत सी डिस्टर्बिंग वीडियोस आई हैं सामने जहां पर हमास के आतंकवादियों ने औरतों और सिविलियंस के साथ इस तरीके से बर्ताव किया कि इसको वीडियो में बताया भी नहीं जा सकता। ये बहुत शर्मनाक बात है कि कुछ लोग इन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स की तरह देखते हैं। ये बात सच है कि पैलेस्टीन में आम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इसराइल के आम लोगों को मारना, ऐसे टेररिज्म को जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता। पिछले एक वीडियो मैंने एक चीज कही थी जो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, हमास एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और इसराइल एक पावरफुल देश है एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार के साथ। इसलिए इसराइल को अपनी पावर का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए। कुछ कॉम्युनल बिगेट्स को ऐसी स्टेटमेंट से बड़ी तकलीफ होती है। एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि पूरी तरीके से सफाया कर दो पैलेस्टीन का, जश्न मना रहे हैं पैलेस्टीन पर हमले होते हुए देखकर, कहते हैं एक भी नहीं बचना चाहिए, बिना उन लोगों की फिक्र करते हुए जो आम पैलेस्टीनियन लोग हैं उन पर क्या बीत रही होगी। दूसरी तरफ कुछ कॉम्युनल लोग हैं जो हमास आतंकवादियों के सपोर्ट में जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमला कर दिया इसराइल पर। ये लोग चाहते हैं कि इसराइल का पूरी तरीके से सफाया हो जाए, इसराइल देश एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसे कमेंट्स को सोशल मीडिया पर देखें तो याद रखिए कि आप एक इंसान हैं, कोई खून के प्यासे वैम्पायर नहीं है। दूर बैठकर बड़ा आसान है वॉर मॉन्गरिंग करना, लेकिन सोचकर देखिए अगर आप वहां पर होते जहां ये वॉर छिड़ रही है, सोचकर देखिए आम इजरायली और आम पैलेस्टीनियन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से थम जाना और इस डर में जीना कि कब कौन सा रॉकेट आकर आपकी बिल्डिंग पर गिर जाए। इजरायल भी इस चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है। अभी एक 14 मंजिले पैलेस्टीन की इमारत पर एयर स्ट्राइक करी गई, लेकिन एयर स्ट्राइक करने से पहले 10 मिनट की वार्निंग दी थी इजरायल ने, जिस बिल्डिंग में रहने वाले लोग इवैक्यूएट करके छोड़ दे बिल्डिंग क्योंकि इस पर एक बम गिरने वाला है। ऐसी वार्निंग्स पहले भी देखी गई है, जैसे कि फातिमा बशीर के परिवार को वार्निंग दी गई इजरायली एयर स्ट्राइक से पहले इस साल मई में, या फिर अगस्त 2022 गाजंस को 15 मिनट की वार्निंग मिली इजरायली एयर स्ट्राइक से पहले। हालांकि इजरायल ये कहता जरूर है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इजरायल की एयर स्ट्राइक्स में ढेरों पैलेस्टीनियन सिविलियंस मारे गए हैं। उम्मीद यहाँ पर यही है कि यहाँ लॉन्ग लास्टिंग शांति देखने को मिले इन दोनों देशों के बीच, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखकर लगता है कि ये वॉर अभी काफी चलने वाली है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझे इसराइल और पैलेस्टीन के बीच ये झगड़ा क्यों हुआ, क्या कारण है इसके पीछे असली, यहाँ इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में, क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।